बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मी जान के किचन से खुश आमदीद। आज आपको मैंने ताज़ा आटा गूंदा था, उसकी मैं आपको रोटी बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका पेड़ा बनाना सिखाती हूँ। मैंने एक थोड़ा सा आटा लिया है, इसको आपने इस तरह से ड्राई खुशका लगा के इसको अपने अपने पाम के अंदर इस तरह से 2 से 3 दफ़ा जो है इसको फोल्ड करना है, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, इस तरह से बन जाता है। उसके बाद एक हल्का सा इसको इस तरह से आप जैसे फोल्ड सा बना लें और फिर इस तरीके से आप इसको गोल करने की कोशिश करें, फिर दोबारा से इसको आपस में ऐसे जोड़ दें। ये आपका पेड़ा जो है तैयार हो गया। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। अब आपको इसकी रोटी बना के दिखाती हूँ। इसको आप पहले हल्का सा हाथ से इस तरह से प्रेस कर लें, फिर ये साइडों से आपने इसको थोड़ा सा इस तरीके से जैसे आप दोनों उंगलियों से इसको थोड़ा सा और वो दरमियान से हल्का सा मोटा होता है साइडों से, सही जैसे मैंने अपनी अम्मी को देखा उस तरह से ही मैं आपको सिखा रही हूँ। उसके बाद इसको हल्का सा ड्राई आटा लगाएं और ये इस तरीके से आप इसको, ये देखें ताज़ा आटा है, कोई मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा ना, इसको कुछ ज़्यादा देर के लिए कुछ किया है। और आप इसको इस तरह से हल्का सा कर लें, बेल लें। ये जो आपको इसमें कलवंजी है और फ्लैक्सीड ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन रोटी पकने के बाद इसका पता भी नहीं चलता। ये मैंने इसको बेल लिया, आप चाहें तो इसको और बेलें, नहीं तो उसके बाद इसको थोड़ा सा यूं भी कर लें या इट सेल्फ ही काफ़ी है। मैं इसको तवा मैंने हल्की आग पे रखा हुआ था और आप ये देखें, ये इट सेल्फ एक अच्छी सी रोटी बन जाती है। अब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे करके डाल दूँगी। आप पेड़ा छोटा भी ले सकते हैं, थोड़ा जिस जो साइज आपको पसंद है। अब ये मेरे पास मेरी बेटी को ये सॉल्टेड बटर भी पसंद है, मैं वो भी लगा देती हूँ। अंदर मैंने इसके कुछ नहीं डाला, इसको आप ताज़ा रोटी की तरह बना लें। अगर सेकना हो तो आप इसको खाली किसी कपड़े के साथ सेक लें। अभी इसके लिए जैसे मैं बटर लगाऊंगी, या ये मैंने ऑलिव ऑयल रखा हुआ है, ऑलिव ऑयल लगा लूँगी। तो ये मैं बटर जो है ना, जब ये हल्की सी इस तरह से हो जाती है तो फिर मैं इसके ऊपर ऐसे बटर लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, जस्ट जैसे आए जिसको ये कहते हैं कि जी आप रोटी चौपड़ लें, इस तरह से मैंने लगा लिया। मैं इसकी साइड पलट दूँगी। जब बच्चे कुछ ना खा रहे हों तो ये रोटी उनके लिए कंप्लीट जो है ना एक फूड बन जाती है, एक मील बन जाती है। तो आप ये इसको आप साथ ऑमलेट बना दें, अचार के साथ बच्चे खा लेते हैं और सालन के साथ। और देखें, मैंने इस पर ज़्यादा बटर भी नहीं लगाया। अभी पहले एक साइड पक जाएगी तो फिर मैं इधर की साइड जो है वो बदल के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रोटी जो है इसको पहले एक साइड पे, ये देखें ऑलिव ऑयल है, इसका मैंने एक हल्का सा ब्रश लगा दिया। इसके बाद मैं इसकी ये साइड पलट रही हूँ, इसमें कलवंजी और नज़र आ रही है आपको। जब एक साइड पर पक जाएगी तो हम दूसरी साइड से भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे। मैं अंदर नहीं डाला इसमें, इसको आप सादा रोटी बना लें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लें, बटर लगा लें। तो ये फ़ौरन मैंने ताज़ा आटे की रोटी बनाई है, ये आप देखें। अभी इसको थोड़ा सा ये पहले दूसरी साइड पर भी मैंने हल्का सा ब्रश लगाया था, अमेजे की साइड पर रखी। ये आपने बस दरमियानी आंच पे बनानी है और बड़ी अच्छी जो ये रोटी जो है बच्चे शौक से खाते हैं। और ये ताज़ा आटे की मैंने फ़ौरन बनाई है, कोई भी मसला नहीं होता बनाने में इसमें। ये हल्की सी बन रही है, ये जब आपको लगे कि एक साइड बन रही है तो फिर इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यही रोटी फिर मैं आपको ऑलिव ऑयल लगा के भी दिखाती हूँ और सादा भी बना के दिखाती हूँ। और अगर आपने दूसरा पराठा बनाना है तो आप इसके अंदर भी ऑयल डाल लें, वो भी मैं आपको उसका अम्मी के तरीके से चकोर पराठा या गोल पराठा जो है वो भी बनाना है। ये एक सादा रोटी है जो कि फ़ौरन से बन जाती है और हल्का सा जब आप उसके ऊपर बटर लगा लें तो ये बड़ी अच्छी सी एक सॉफ्ट सी रोटी जो है ना, जिसको आपने अपने लंच में भी लेके जाना है और चाय के साथ भी अच्छी लगती है। और जिसमें जैसे अगर एक वक्त में चिकनाई अगर आपको एक टेबल स्पून एक टी स्पून चाहिए तो वो इसमें आ जाती है। आपने सादा रोटी रखनी है, जैसे मैंने इसको ऊपर कुछ नहीं किया, तवे को आप साफ करके इस तरह मैंने ये रोटी डाली है। अब मैं इसकी साइड बंद लूँगी। अगर तो आपके पास गैस वाला चूल्हा है तो फिर दोनों साइडों के बाद आप इसको तवे उस पर सेक लें, नहीं तो जैसे ये स्टैंड है
इसके ऊपर सेक लें। अगर आपको सेकना नहीं है तो जैसे दोनों जब साइडें पक जाए तो इस तरह कोई नैपकिन लेके आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो रोटी जो है वो भी फूल जाती है। और अगर आपने सादा रोटी बनानी है तो वो भी इस तरीके से बन जाती है। आप ये ज़रूर ट्राई करें, ताज़ा आटे की बहुत अच्छी रोटी बन जाती है। अगर आपने फ्रिज में रख के बनाना है फ्रिज में रख के बनाने, लेकिन जब आपने रोटी पकानी हो तो उससे पहले आप इसको निकाल लें बाहर। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको अम्मी के तरीके से, अम्मी जान के तरीके से पराठे बनाने भी सिखाऊंगी, बहुत आसान है। तो आप ये रोटी ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि ये कैसी आपको लगी। ये देखें, और ये जो घर की रोटी है वो हर लिहाज से बेहतर है, इसमें कोई मार्जरीन कुछ नहीं है। उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अम्मी जान के किचन से अल्लाह हाफिज़।